यादव जी थोड़ा सा उधर पड़ जाइए। हमारे यादव जी आ चुके हैं मोर्चा संभालने के लिए। यादव क्रेन सर्विस सामने खड़े हुए हैं। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये हादसा जो है रात में करीब 8 बजे के टाइम पे 3 गाड़ियां आपस में लड़ गई हैं, जिसमें कि एक ये कार है और दूसरी बस है और तीसरी एक ट्रक है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहले तो आप कार की हालत देख लीजिए कि कार को जो है पहले आगे बस में ठोकी है और पीछे से एक DCM है उसने ठोक दिया है। तो DCM जो है वो जो मिनी ट्रक है आइशर का, वो आगे खड़ा हुआ है, वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया, वो उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप इस कार की कंडीशन देखिए, ये तो ख़त्म हो गई पूरी तरीके से। और यादव क्रेन सर्विस इधर खड़े हुए हैं और यादव जी तुरंत ही क्रेन लेकर के आ गए। और सामने देखिए ट्रक आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी मैं पास में चल के दिखाऊंगा आपको। पहले आप कार की हालत देख लीजिए क्या हो रही है, पूरी तरीके से कार ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। देखिए इंजन विंजन सब निकल गया, टायर वायर सब कुछ निकल गया इसका। और बस जो है वो दोस्तों यहाँ से जा चुकी है, मैं थोड़ा सा देर में पहुँचा था इस वजह से बस चली गई है। और एयर कंडीशन बस थी पूरी, देखिए वो खड़ी हुई है DCM, वो भी लोड है और पंजाब नंबर की गाड़ी है। और पुलिस बल भी यहाँ पर मौके पे पहुँच चुका है, काफ़ी सारी पुलिस लगी हुई है। तो ये है वो गाड़ी जिससे ये गाड़ी पीछे से इस गाड़ी ने जो कार है उसको पीछे से ठोका है इस गाड़ी ने। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये केवल अनियंत्रित होकर के डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई है। और जो बस है उसमें कुछ नुकसान हुआ था, वो यहाँ से चली गई है, वो शायद थाने गई है या कहाँ गई है ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये दोनों गाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं और इसमें से कार को अभी थाने ले जाया जाएगा। और ये DCM जो है थाने जाएगी या नहीं जाएगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और दोस्तों ये रोड जो है ये वही रोड है जो मैंने आपको नया वाला दिखाया था, जो नया रोड बना है हमारे यहाँ, और बाईपास जिसे नया बोलते हैं। पहला एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर जो है एक कट है, कट की वजह से एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर से गाड़ियाँ घूमती रहती हैं लगातार। जो हमारे शाहजहाँपुर की लोकल गाड़ियाँ हैं वो यहीं इसी कट से घूमती हैं। और कट के बिल्कुल सामने एक्सीडेंट हुआ है, कट के बीच में। और कार जो थी वो इस, देखिए ये कट है यहाँ पर, कट के ऊपर ही ये गाड़ी खड़ी हुई है। तो ये गाड़ी पता नहीं रॉन्ग साइड आ गई या कैसे क्या हुआ उसके बारे में तो कुछ आइडिया नहीं लग पाया, यहाँ के लोगों से जानकारी नहीं ले, क्योंकि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। कार वाले जो उन्हें अस्पताल भेज दिया गया, हालांकि किसी के इसमें मरने की खबर नहीं है, सबको हल्की फुल्की चोट पेट लग गई थी, सब सही सलामत बच गए हैं और अस्पताल जा चुके हैं। और बस में भी किसी को चोट नहीं आई, ट्रक भी बिल्कुल सही सलामत, बस ये कार जो है बुरी तरीके से डैमेज हो गई है। तो इसको यादव जी देखिए अपनी गाड़ी में टांग रहे हैं और टांग करके इसको अभी ले जाएंगे थाने, छोड़ करके आएंगे, थाने जाएगी ये गाड़ी। और फिर आगे क्या होगा उसके बारे में तो नहीं मालूम है, लेकिन एक्सीडेंट बहुत ख़तरनाक हुआ है। और इस कार की हालत को देख करके आप यही सोच रहे होंगे कि इसमें कोई बचा नहीं होगा, लेकिन महिंद्रा की गाड़ी है और महिंद्रा की टाटा की गाड़ी आपको मालूम है काफ़ी मज़बूत होती हैं। तो इस वजह से अगर इसकी जगह पे मारुति की गाड़ी होती तो शायद एक आदमी निपट जाता इसके अंदर, लेकिन महिंद्रा की गाड़ी जो देखिए आगे से बिल्कुल भूस हो गई है। इनकी बिल्ड क्वालिटी जो होती काफ़ी अच्छी होती है, तो इस वजह से किसी के हताहत होने की यहाँ पर सूचना नहीं मिली है, केवल चोट पेट हल्की फुल्की लगी है। और यादव जी देखिए अब इसको घुमा रहे हैं, देखिए कट के ऊपर गाड़ी खड़ी है, मैं आपको दूर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और काफ़ी जाम लग गया है, काफ़ी पुलिस भी पहुँची हुई है यहाँ पर। और सिर्फ अभी मेरे ख्याल से आधा एक घंटा हुआ होगा इस एक्सीडेंट को हुए, तो मुझे जैसी सूचना मिली वैसे ही मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें। और ये नया रोड है, इसे नया रोड बोलते हैं, नया बाईपास बोलते हैं इस रोड को। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और देखिए पुलिस बल पूरा सहयोग कर रहा है और हमारे लोकल का ही ये पुलिस बल है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आपको जो है सबसे पहले मिल सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।